अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ जा रहे हैं शाद और आबाद रहें, खुश रहें। तो जी आज हम फिर वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि है जी फनी वीडियो। तो जी हमारे साथ रहें और आए देखते हैं कैसी लगती है हमें भी और आपको भी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर आपको कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। टुडे वी रिएक्ट कपिल शर्मा फनी मोमेंट्स। कपिल लेट्स शर्मा, सी कपिल शर्मा। ओ मेरी टूटी मुझे दे दे। मैं हेडफोन को टूटी बोलती हूँ। अभी डॉक्टर ही होंगे, बनने वाले हैं। अच्छा अभी तो आपकी शादी नहीं हुई ना, मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने कब कहा मेरा जी, आप ही कहा है। आप तो इतनी किलर लग रही है ना, आपसे ध्यान ही नहीं हटता। पता मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर, तब मुझे पता चला अनिल सर भी है फिल्म में। नहीं मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था, कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है, पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है। शाहिद एक बात बताइए जी। जी लड़कियां आप पे इतना मरती हैं जी, मैं उन्हीं की एक की खोपड़ी लेकर आया हूं। अच्छा क्या रोल है बीच में इसको आप लोग सही कहते हैं लड़कियों खोपड़ी खाली होती, खाली नहीं। हरामी हो। पोस्टर में इसे देख के आप क्या बातें कर रहे हैं जी? मैं इसे देखकर प्यार की और यू नो रोमांटिक टाइप की वैसी बातें करता हूं मैं। हाँ? और जिंदगी में ना लोग सुनने वाले कम मिलते हैं, बोलने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये सुनती है मेरी बात। तो आपने ध्यान ही दिया, इसके तो कहानी नहीं है। पर नाना सर बिल्कुल रोमांटिक हीरो होते। अच्छा अगर वो गाना नाना सर पे फिल्माया जाता। कौन सा? एक मर्डर सॉन्ग का गाना था ना, बीके होटल में। एक और अजूबा होता कि गाते भी नाना सर, तो कितना मजा आता ना। ए बीगे होट तेरे, ए प्यासा तन मेरा, चल मेरे साथ सारी रात गुजार। अनी एक बोल दी जुटी कर दी इसने। I'm just bathroom singer. अच्छा है तो कभी बुलाओ हमें। गाने ये गाते हैं, हैं अपनी फिल्मों के, भोजपुरी फिल्मों के इतने बड़े स्टार हैं, अभी पार्लियामेंट में भी हैं, आज 2 घंटे की छुट्टी थी इधर आके बैठ गए। ये आजकल कोई भी एक काम नहीं करता है। अब जैसे ये मैडम है, साथ साथ में अदालत की कार्रवाई चल रही, नीचे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही। सिंघानिया ओबराय बुलाने के लिए सिंघानिया वाले काम तो क्या करो, एक ही थाली में खाना खाने वाले। अच्छा हम लोग एक थाली में खाते हैं, इनके फादर साहब का मैं बताता हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक थाली में हम लोग खाते हैं ना, फिर इनके पास एक थाली भी नहीं होती, तो लंगर में गया जाकर कहता मेरे पास थाली नहीं, गरम गरम दाल मेरे मुंह में डाल दो। वो कहता हाथ में ले ले, कहता हाथ में पहले से हलवा पकड़ा हुआ है। जानती भी है मेरे ताऊ जी को, पर ये कितने बड़े बिल्डर है वो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बिल्डर नहीं होता बेटा, जो काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करते वेल्डर होता है। हाय हाय मगा सोने, क्या हाल है आपके? वही जो तेरी बहन का है। रुको जरा सबर करो। यही हाल है जो मेरी बहन का, मतलब आपको पेट खराब है। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपकी कई मूवीज में आपने मैरिड और अनमैरिड को एक्टर्स से के साथ काम किया है, बट स्टिल आपकी रियल लाइफ में आप सिंगल है, को एक्टर्स पसंद नहीं आया या सिंगल रहना मस्त रहना में आप बिलीव करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? जली ना तेरी भी जली ना। एक बात ये भी मेरे मन में आई थी, सोनाक्षी जितनी बार भी आई, सोनाक्षी हमेशा सिंगल ही है। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने क्या? आप मेरी ना का इंतजार कर रही है?
आ गई हूँ, मुझे ढूंढ के दो कोई लड़का, कोई नहीं आता। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक कोई मेरा भाई कोई सिंगल, तो सोनाक्षी की तरफ से पैरवी के लिए कौन आ रहा जो कहता है कि हम सिंगल खुश हैं? हेलो हेलो, सिंगल मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी सिन्हा आपसे शादी करने को तैयार हो जाती हैं, तब भी आप कहेंगे कि आप सिंगल ही खुश हैं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। कई लोगों ने ना मेरे ट्विटर पे इसके बारे में लिखा है, बैडमैन जो है कहता है दांत तोड़ देना कपिल शर्मा के, सोनू कहता है कपिल शर्मा बहुत ही बकचोद आदमी है। कोई अनुराग दीक्षित करके है, उन्होंने लिखा, वेल कपिल शर्मा आई वांट अ पब्लिक अपॉलॉजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स। ये कौन है, ये कौन है, इसको आपने जवाब दिया, चल बे। मैं आपके शो की बात करता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है अगर कोई खूबसूरत लड़की आपसे कोई सवाल पूछती है तो आप बहुत ही हंस हंस के और लहराते लहराते जवाब देते हो, और अगर कोई लड़का हाथ में आ गया तो खींच ही डाली पूरी। बात तो सही है, बात तो सही है। तो आपका ये मानना है कि चेहरे की अहमियत होती है? हाँ। वैसे ऐसी बात नहीं, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, बड़े क्या हुआ, पेट दर्द होने लगा? ये क्या है? ये वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये क्यों लिए आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती है कंगना आग लगा देती है। और उसी क्या लेंगी आप? अरे क्या बेस है यार। चलो चलो, अरे आप लोग लगे रहो। अरे नहीं भाई, इधर से। रुचि आती आपका? हाँ, मैंने देखा ऋषि के आने जज्बत बार है, पर ऋषि के आने के बाद आपकी आंखें पूरी खुल गई। छलांग मारना वैसे, जैसे जब पत्ते खेलती पुलिस आ जाती तो निकलती है। मैंने इसलिए बुलाया, चेतन अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, मैंने कहा शायद तुझे ले ही ले, हाफ माइंड जो आप बना रहे हो। जलते हो मुझसे, मान लो ये बात, तुम जलते हो मुझसे। और बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर संडे को मॉल जाती हूँ शॉपिंग करने। मुझे पता है, ये चेंजिंग रूम में जाती है, ड्रेस पहन के ना ऐसे फोटो खींचती है, तो उसी समय अपलोड करती, गाइस आर यू लाइक माय ड्रेस, हाउ इज माय न्यू ड्रेस। अरे सबसे पहला कमेंट भी सेल्समैन का आता है, कहता मैडम कभी खरीद भी लिया करो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, समझ गई। कैसी लगी आपको ये कॉमेडी वीडियो? बहुत ही मजा आया, थोड़ा सा जो है ना डिप्रेशन वो रिलैक्स हो जाते हैं हम मेंटली तौर पर इस तरह की वीडियोस देखकर। तो जी हमारे साथ जाना वह बेटा मौज करा दी, लाइक और कमेंट, ठोक 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 के लाइक शेयर और कमेंट करें ना, करें 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 करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके जी, लव यू।